अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए ब्रेड दही भल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल सी और यम्मी सी रेसिपी है। तो अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अब मैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ चल रही हूँ। यहाँ मैंने ब्रेड के 4 स्लाइसेस ले लिए हैं। ब्रेड आपने बिल्कुल सादा लेनी है, मिल्की या स्वीट ब्रेड आपने नहीं लेनी है। एक अदद टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है, एक अदद प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक अदद हरी मिर्च मैंने ले ली है और उसको बारीक बारीक काट लिया है और थोड़ा सा बंद गोभी को काट लिया है। और कोई वेजिटेबल आप डालना चाहें तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इमली का पल्प ले लिया है 3 से 4 खाने के चम्मच के करीब और थोड़ा सा चाट मसाला ले लिया है। दही यहाँ पर हम लेंगे 1 पाव। सबसे पहले हम ब्रेड के कॉर्नर्स को काट लेंगे। ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं आप उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसका ब्रेड क्रम्स बन जाता है तो आप इसको एज अ ब्रेड क्रम यूज कर लेंगे। खाने की कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी मैंने ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो साइड से पहले काट लिए थे, अब मैंने इसके 4 पीसेस कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने तमाम ब्रेड के 4 पीसेस कर लिए हैं। अब दही में चाट मसाला, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इससे जो दही का टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। दही को आपने इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। अब एक बाउल में सबसे पहले हम ब्रेड के स्लाइसेस को तरतीब से सेट कर लेंगे। ब्रेड की एक लेयर लगाने के बाद उस पर हम दही को अच्छे से डाल देंगे ताकि जो ब्रेड है वो अच्छे से कवर हो जाए दही में। अब दोबारा से हम स्टेप को रिपीट करेंगे। पहले ब्रेड के स्लाइसेस हम लगाएंगे, उसके बाद ऊपर से हम इस पर दही डाल देंगे। आप जितनी भी लेयर्स लगाना चाहें आप उस हिसाब से अपने ब्रेड को ले सकते हैं। आखिर में हम दही से अच्छे से ब्रेड को कवर कर देंगे। ब्रेड को अच्छे से कवर करने के बाद आप इसमें जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो आप इसी तरह तरतीब से डाल दीजिएगा। मैंने यहाँ पहले टमाटर डाले हैं। टमाटर डालने के बाद मैं इस पर प्याज शामिल करूँगी। प्याज को मैंने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इस पर हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद मैं इस पर बंद गोभी जो है वो डाल दूंगी। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करिएगा, मैंने इसमें बॉयल आलू शामिल नहीं किए। अगर आप चाहते हैं तो शामिल करने, वरना इसमें बॉयल आलू शामिल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इस पर इमली का जो पल्प है वो ऊपर से शामिल कर दूंगी। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त सी है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है। अगर आपके घर में मेहमान अचानक आ जाए तो ये रेसिपी आप उनके लिए फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड तो ऑल टाइम सबके घर में पड़ी होती है और ये आपके गेस्ट को भी बहुत ही पसंद आएगी रेसिपी। तो जी यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें शामिल करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है। ये है जी मेरी डिश की फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की भी रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी सी रेसिपी है। हमारी वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। अब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।